इसके बाद हमें दो चीज समझना पड़ता है, जो मैंने अभी समझाया, जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेनली सेवन होती है, फिजिकल क्वांटिटी दे आर सेवन एंड टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। दो क्या होती हैं, पूरक राशियां होती हैं। सात जो होती हैं क्या होती हैं, सेवन जो होती हैं वो क्या होती हैं, जल्दी बताओ। सेवन जो होती हैं फंडामेंटल यूनिट होती हैं, मतलब मूल भौतिक राशियां, और टू जो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या यूनिट होती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग बताओ। एक होता है एंगल या प्लेन एंगल, क्या होता है, पहला क्या होता है, प्लेन एंगल, ठीक है, इसे क्या बोलोगे, कोण या सम एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। दो सप्लीमेंट्री होते हैं, इसको बोलते हो घन कोण। देखो इसको समझाने के लिए मैं दो इमेज भी लिया हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब ऐसा यूनिट ऑफ यूनिट टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर आल्सो डिफाइन एज, क्या हो जाएगा, रेडियन फॉर प्लेन एंगल, रेडियन से किसको मापेंगे, प्लेन एंगल से, और इस रेडियन को मेजर करेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है ना। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दो पूरक राशियां पूरक एक मात्रक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोण को हम लोग किससे मापेंगे, रेडियन से, और घन कोण को किससे मापेंगे, इसके रेडियन से। अब बताते हैं ये कोण और घन कोण कहाँ पे बनता है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखो मैंने आपको बताया, क्या हम लोगों ने बताया, जैसे ये पिज्जा है आपको दिखाई दे रहा है, आपने पिज्जा को ऐसे मंगाया, ये कुछ सर्कुलर होता है, सर्कल की तरह होता है। तो मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे इसका एक पॉइंट है और यहाँ से इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एंगल या क्या बोलते हैं, रेडियन से मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियन से। यहाँ पे देख सकते हो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, 1 रेडियन एंगल एट द सबटेंडेड ऑफ अ सेंटर, ठीक है ना, बाई आर्क इक्वल इन द लेंथ ऑफ द रेडियस, मतलब इसका जो ये आर्क होना चाहिए इक्वल इन द रेडियस, ठीक है ना, ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसका जो आर्क होना चाहिए इक्वल ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल होना चाहिए, जिसे हम लोग 1 रेडियन बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब कुछ कहने का मतलब क्या हो गया, कि जब कोई सर्कुलर पार्ट हो गया, कोई भी वृत्तीय चीज हो, मतलब कोई भी चीज है, और उससे क्या हो जाएगा, उसके सेंटर से और ये आर्क में जितना एंगल फॉर्म होता है उसे हम लोग एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल। लेकिन एंगल का डिफिनेशन, एंगल जो होता है उसको मेजर करते हैं रेडियन में। जब 1 रेडियन का डिफिनेशन बोलेगा तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है उसका जो आर्क होना चाहिए उसके रेडियस के इक्वल होना चाहिए, तब वो 1 रेडियन के बराबर होगा। लेकिन यदि हम रेडियन को डिफिनेशन ना दें, केवल हमको एंगल बताना है, तो क्या बोलोगे, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना, इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द आर्क। यदि रेडियस आर्क के इक्वल हो जाए तो हमें क्या बोलेंगे, कि यहाँ पे एंगल सबटेंडेड हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कोई भी वृत्त है और उसके केंद्र पे, ठीक है ना, आर्क द्वारा जितना एंगल सबटेंडेड किया जाता है, सर्कल के सेंटर पे आर्क द्वारा जितना एंगल सबटेंडेड होता है, जो अपना क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, एंगल है, ठीक है ना। अब सुन लीजिए बात, मान लीजिए जैसे पिज्जा है और इसका मैंने ये θ1 मान लिया, इसको मैं यहाँ पे मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको एंगल को मैं θ2 मान लिया, और यहाँ पे मैं डी मान लिया, इसको θ3 मान लिया, और इसको मैंने θ4 मान लिया, θ4 मान लिया, ठीक है। मान लो आप लोग चार लोग हो, कोई चार व्यक्ति हैं, उस पिज्जा को उसमें डिवाइडेड करना है, तो देख रहे हो जो एंगल, जो ये एंगल जो 4 है सबसे ज्यादा है, एंगल सेकेंड उसके बाद है, उसके बाद एंगल क्या अपना थर्ड है, और सबसे जो छोटा एंगल फर्स्ट है। तो आप क्या करोगे, कौन सा एंगल लोगे, कौन सा पार्ट आप ज्यादा आपको मिलेगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका पार्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एंगल 4 सबसे ज्यादा पार्ट में है, तो इसीलिए एंगल जब 4 सबसे ज्यादा है तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसको हमें मैक्सिमम पार्ट हमें मिलेगा, इसका क्या होगा, अधिकतम पार्ट हमको मिलेगा। जिसका एंगल जितना ही छोटा होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, रेडियस
ये होता है फॉर्मूला, मतलब चाप बटे त्रिज्या होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अब मान लो एंगल बनना है थीटा और ये आर्क हम कुछ मान लेते हैं एल और इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं, यहां से यहां तक आर्क हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा इंटू आर, सभी का रेडियस तो सेम होगा चाहे आप किसी का भी निकालो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर, मतलब ये पहला दूसरा कोई भी कोण निकालो सभी का रेडियस सेम आएगा, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस सभी सेम होगा, लेकिन जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका एरिया मतलब उसका आर्क भी ज्यादा होगा, उसकी क्या हो जाएगा उसको मैक्सिमम भाग अपने आपको ऑब्टेंड होगा, ठीक है उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो हमेशा जब भी एंगल का बंटवारा होता है तो एंगल जितना ही ज्यादा होगा उस व्यक्ति को उतना ही मैक्सिमम पार्ट क्या होगा मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, इससे रेडियन क्या होता है। जैसे मान लो ये देखो ये 2D होता है, ये क्या होता है 2D हो गया DBM हो गया, और ये 3D होता है, क्या होता है 3D होता है। अब देखो जैसे आप लोगों ने कुल्फी तो खाया होगा आइसक्रीम जो ये खाया है, आइसक्रीम का हम लोग देखो यहाँ पे इमेज बनाया है, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना यहाँ पे कोई सर्कल के द्वारा जैसे मान लो इसका ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसके रेडियन से मेजर करते हैं स्मॉल SR से मेजर करते हैं। जैसे मान लो आपको समझाने की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक सर्कल है, अब इसका कहीं पे सेंटर है तो इसको स्मॉल सरफेस द्वारा, ये स्मॉल सरफेस जैसे ये अभी मैंने आपको ये कोन दिया हुआ है आइसक्रीम दिया हुआ है, यहाँ पे इसके सेंटर पे जो एंगल सस्पेंडेड होता है इट्स कॉल्ड उसको क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल, क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये 3D होता है, क्या होता है ये 3D हो गया। जैसे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं ना तो कुल्फी के जो नीचे वाला पार्ट होता है देखते हो बड़ी मजेदार होता है, ये कुल्फी के नीचे वाला पार्ट आपसे कोई मांगेगा जहाँ पे क्या होता है फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर जो भी होता है वहाँ पे फ्लेवर होता है, तो यदि आपसे कोई बोले कि मुझे दे दो तो हम उसे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे क्योंकि वहाँ पे मेन पार्ट जो होता है मेन जो वहाँ पे होता है जो भी जिस फ्लेवर का होता है सभी फ्लेवर्स वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे जो एंगल बनता है ठीक है ना सॉलिड से वहाँ पे जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं उसको सॉलिड एंगल, मतलब उसको घन कोण बोलते हैं। देख रहे हो ये कोई सर्कल है उसके स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड होता है उसको सॉलिड समतल कोण बोलते हैं, उसको घन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे 1:3 रेडियन का डिफिनेशन है, 1:3 रेडियन देखो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये समझ में ज़्यादा नहीं आता ठीक है ना, फिर भी डिफिनेशन है तो आप एक बार देख लो। 1:3 रेडियन इज दैट सॉलिड एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, और जो सॉलिड एंगल होता है ना इसे ओम या ड्यूम इज इक्वल टू ये DA/R² होता है, मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, देखो ये क्या है टोटल एरिया ए हो गया इसका ये स्फीयर हो जाए और ये जो एरिया हो जाए DS हो जाए या DA हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा DA/R², क्या हो जाएगा DA/R² होता है, ये अपना निकालने का तरीका होता है। आइए थोड़ा सा हम इसके इम्पोर्टेंट एक फैक्ट पे बात करते हैं, ये सब बहुत बेसिक है और बार बार आपसे यही बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है। सम इम्पोर्टेंस कन्वर्जन ऑफ लेंथ, लेंथ जो लंबाई होता है उसका कन्वर्जन सीखना है। तो देखो आप सभी को पता है वो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम, अब उनको ये तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है 1000 मिलीमीटर होता है 3.28 फीट होता है 39.37 इंचेस होते हैं और 3.0936 जो होता है यार्ड होता है। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में क्या होता है 0.62 क्या होता है 15 माइल होता है मील होता है और ये 1 मील जो होता है या सॉरी 1 किलोमीटर को 1000 हम लोग मीटर भी लिख सकते हैं ठीक है, और 1 जो मील होता है वो क्या होता है 1609 मीटर मतलब 1609 मीटर के बराबर होता है। 1 फीट आप लोग जानते हो ये 12 इंच के बराबर होता है या 30.48 सेंटीमीटर होता है। ऐसे ही द्रव्यमान के भी अन्य मात्रक हैं, 1 kg को आप लिखते हो 1000 ग्राम लिखते हो या 2.2 पाउंड लिखते हो। आप लोग अपने बर्थडे पे केक लेने जाते हो ना तो जो शॉपकीपर दुकानदार होता है पाउंड में देता है बोलता है कितने पाउंड का चाहिए, तो हम लोग क्या समझ गए पाउंड जो होता है 2.2 पाउंड के, 1 kg जो होता है 2.2 पाउंड के अप्रॉक्स होता है और 1 जो क्विंटल होता है 100 kg होता है और 1 जो टन होता है वो क्या हो जाएगा 907.2 kg के बराबर हो जाएगा और 1 मेट्रिक जो टन होता है 1000 kg होता है 1 AMU होता है ये मास का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है
1.66 10 टू द पावर माइनस 27 होता है, ठीक है। और ये वन चंद्रशेखर लिमिट CSL, ये जरूर याद रखिएगा, ये मास का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है, 1/4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। ये सूर्य के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, 1.4 गुना होता है, द्रव्यमान का ही सबसे बड़ा मात्रक होता है। और मास ऑफ सन जानते हो आप लोग कितना होता है, 1.989 × 10⁻³० होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है, लगभग मैं अभी आपको समझा दिया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके, कि 1 पाउंड कितने के इक्वल होता है, जल्दी बताइए। ये लगभग 1, याद रखिएगा 1 जो पाउंड होता है, अभी मैंने ये बताया है, कहाँ पे बताया, पाउंड, 1 जो पाउंड होता है ये लगभग क्या होता है, 455 ग्राम के आसपास होता है, ये 450 से ज़्यादा होता है, ये लगभग 455 ग्राम के आसपास होता है, यदि आपसे कोई पूछ रहा है तो इतना ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आज और समझा दे रहा हूँ, अभी ये जो लेंथ और जो मास के यूनिट पड़े हो, अभी कुछ ऐसे भी मास और यूनिट होते हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हो, आइए हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में चंद्रशेखर यूनिट भी बोलते हैं, चंद्रशेखर मात्रक या चंद्रशेखर सीमा, एक चंद्रशेखर सीमा जो होता है 1.4 गुणे सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना होता है, मतलब सूर्य का द्रव्यमान 1.989 होता है, लगभग 2×10⁻³० होता है, और उसमें 4 गुणा करवा दो तो ये लगभग 3×10⁻³० केजी के बराबर आ जाएगा। अब समझ जाओ कितना हो। अब देखो जैसे मैंने आपको, मुझे समझाना है तो मैंने क्या बोला, अब हम लोग कुछ मास के यूनिट देखेंगे चेंज करने वाले, आप लोग पढ़े हो ना, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, केजीग्राम, ये सब आप पढ़े हो। और इसी तरह जो अपना होता है क्या होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और ये किलोमीटर, इतना आपको याद होना चाहिए। जब भी इसमें तुम ऊपर से नीचे आओगे 10⁻⁹ जाएगा, और जब भी तुम नीचे से ऊपर जाओगे 10⁻⁵ जाएगा। सेम यहाँ भी वही होगा, जब भी तुम ऊपर से नीचे आओगे 10⁻⁹ होगा, और जब भी तुम नीचे से ऊपर जाओगे 10⁻⁵ दोनों हैं। ये मास के लिए है, किसके लिए, ये मास के लिए यूज होगा, ठीक है ना, सॉरी मीटर है तो ये लेंथ के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, ये जो होगा मास के लिए होगा, ये जो होगा ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। ये मास है, ये मास के लिए, द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे इसको, और इसको जो हम करेंगे लेंथ के लिए, ठीक है, इसको करेंगे लंबाई के लिए, दूरी के लिए करेंगे, लंबाई या दूरी के लिए, और इसको द्रव्यमान के लिए करेंगे, किसके लिए, द्रव्यमान। अब मान लो आपको समझाने के लिए, कोई 10 ग्राम की वस्तु है, कोई 10 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो देखो ग्राम यहाँ पे है, किलोग्राम कितना नीचे जा रहे हो, 1, 2, 3, ये 10 ना मान के इसको मान लो आप, ये कुछ और मान लो, चलो 10 ही मान लो, तो 10 गुने क्या हो जाएगा, 10⁻⁷, कितना नीचे जा रहे हो ग्राम से, 1, 2, 3, तो 10⁻⁷ हो जाएगा, या इसको जोड़ोगे तो 10⁻⁔ क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो 5 जो है ये सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम, इसको ग्राम में बदलना है, तो 5 को क्या हो जाएगा, 5 लिखोगे, और सेंटीग्राम से कितने नीचे जा रहा है, 1, 2, तो 10⁻² हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो 3 केजी है, उसको ग्राम में बदलना है, तो 3 तो रहेगा, केजी देखो यहाँ पे ग्राम कितना है, 1, 2, 3, कितना ऊपर जा रहा हो, 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। इसी तरह मान लो 4 हेक्टोमीटर है, 4 हेक्टोमीटर है, इसको बदलोगे तो 4 हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है, 1, 2, कितना ऊपर जा रहा है, 10⁻²⁰ हो जाएगा, ठीक है। चाहे लेंथ हो चाहे मास हो, उसको चेंज करने का ये बहुत आसान तरीका है। और ये लोग आप बेसिक, मतलब मुझे लगता है 5th-6th से ये लोग हम पढ़ने लगते हैं, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं आगे। अब इसी तरह ये टाइम है, आपको टाइम तो पता ही होगा, इसमें ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, पूछो क्यों, ये बहुत बेसिक है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब देखो जो टाइम होता है, मतलब जो समय होता है, 1 घंटा, 1 आवर इज इक्वल टू जो होता है 60 मिनट होता है, या 36 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और मिनट देखोगे तो 1440 मतलब 1440 मिनट होता है, और कितना होता है, 86,400 सेकेंड होता है, 86,400 सेकेंड होता है, इसका इंटू आप खुद करवा सकते हैं। अब बताओ
वन ईयर दिया है तो वन ईयर में इतना ही हो गया। ये वर्डिंग थोड़ा सा गलत यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आप मत लीजिएगा। अब देखो एक वर्ष में लगभग इतने डेज होते हैं, अब इसको डेज को आपको आवर में बदलना है, आवर को मिनट में बदलना है, मिनट को सेकेंड में बदलना है, तो क्या करोगे 36.524 है, इसको 24 सेंटी को बढ़ा दो, क्योंकि वन डे में क्या होता है 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर में जो होता है वन आवर में 60 मिनट होते हैं और वन मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ये जितना आएगा ना ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वन ईयर में कितने सेकेंड होते हैं। और इसी तरह वन मंथ हो जाएगा, तो वन मंथ में आप क्या करोगे, वन मंथ में 30 दिन भी होता है, 21 भी होता है, 28 भी होता है, हम 30 मान के चलते हैं, तो 30 डेज होता है। अब 30 डेज में आप जानते हो अब वन मंथ में 30 डेज होता है, अब 30 जो डेज होता है उसमें 24 आवर होते हैं, वन आवर में 60 मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है, इसमें इंटू करवा दोगे तो जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक मंथ में कितना सेकेंड होता है, एक साल में कितना सेकेंड होता है, ये सब आप कर सकते हो, बहुत बेसिक बात है इसमें कोई दे। इसी तरह मिली सेकेंड होता है, माइक्रो सेकेंड होता है, नैनो सेकेंड होता है, ये सब भी होते हैं, ये क्या होता है समय के बहुत छोटे मात्रक होते हैं। वन देखो ध्यान देना, मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10^-3 सेकेंड होता है, वन जो होता है माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10^-6 सेकेंड होता है, वन नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10^-9 सेकेंड होता है, वन पीको सेकेंड ठीक है ना, या माइक्रो वन माइक्रो माइक्रो सेकेंड भी बोलते हैं, 10^-12 सेकेंड होता है, ये भी टाइम का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, तो ये हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये बहुत बेसिक है, सब 11th की बातें हैं, आपको ये सब बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे दूरी के सबसे छोटे डिस्टेंस अभी मैंने बताया, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है फर्मी। फर्मी क्या करता है, इसका यूज जो करते हैं परमाणु का आकार मापने के लिए, न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए हम फर्मी का यूज करते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। एक फर्मी जो होता है ना 10^-15 मीटर के बराबर होता है, कितना होता है 10^-15 मीटर के बराबर होता है। फिर इसका बाद आ गया एंगस्ट्रॉम, इसका जो यूज करते हैं मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका क्या करते हैं लाइट के तरंगदैर्ध्य को मेजर करने के लिए करते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम को ऐसे ए पे जीरो लिख देते हैं, एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर होता है, ये भी याद रखना। नैनोमीटर क्या होता है, सेम इसका भी यूज हो ही रहता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड अदर रेडिएशन ठीक है ना, मतलब क्या करेंगे विकिरण को मापने के लिए तथा प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। नैनोमीटर को NM लिखते हैं, ये 10^-9 मीटर के बराबर होता है, समझ गया। इसके बाद अपने पास क्या गया लास्ट, बायोलॉजी में यूज होगा, तो ये क्या होगा माइक्रोन, माइक्रोन को म्यू से दर्शाते हैं, ये जो बायोलॉजी होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब जीवाणु जो होते हैं बायोलॉजी में जो क्या होता है सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको मेजर करने के लिए माइक्रोन का यूज करते हैं, एक माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर होता है, माइक्रोन कुछ लोग इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं ठीक है ना, ये आप समझ गए ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का यूनिट है। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं, ये सब देखो बेटा ये सब आप लोग पढ़े हो तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें आपसे मतलब डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अब सबसे पहले बात आप आओगे तो हम लोग आज जो डिस्टेंस होगा उसके लार्जेस्ट यूनिट को देखेंगे, ये बार बार पेपर में आएगा, ये बार बार आपसे पूछा भी जाएगा, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। अच्छी एक बात बताओ, सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हिंदी में बोलते हैं खगोलीय इकाई, क्या होता है बताओ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड क्या हो जाएगा अर्थ इज कॉल्ड, क्या बोलोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी को क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, इसे AU से इंडिकेट करते हैं। 1 AU की जो वैल्यू होता है ना बेटा ये जो होता है 1.946 ठीक है ना, सॉरी 1.496 होता है, 1.496 इंटू 10^11 मीटर के बराबर होता है, या अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो 1.5 इंटू 10^11 मीटर होता है। इसके बाद आता है लाइट ईयर, क्या आता है लाइट ईयर, ये जरूर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, क्या बोलते हैं प्रकाश वर्ष, पूछेगा लाइट ईयर किसका यूनिट है डिस्टेंस का यूनिट, तो क्या बोलोगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट ड्यूरिंग वन ईयर इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट
ड्यूरिंग वन ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? लाइट ईयर। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष एक दूरी है, इसे एलवाई से दर्शाते हैं। अच्छा, वन एलवाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लाइट ईयर। आप जानते हो डिस्टेंस है, तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू क्या हो गया? टाइम। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम, मतलब वन ईयर। टाइम क्या हो जाएगा? वन। स्पीड ऑफ कितना है? 3 × 10⁸। और वन ईयर में 365 डेज होता है, 24 आवर्स होता है, 60 मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है। सबका इंटू करवा दोगे तो ये आपको जो मिलेगा, ये 9.46 × 10⁵ मीटर मिलेगा। वन एल वाई की वैल्यू होता है, हमेशा याद रखना। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना मीटर होता है। वन लाइट ईयर को जब कन्वर्ट करोगे तो इतना मीटर आएगा। जो थर्ड सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है डिस्टेंस का, पार्सिक होता है। क्या होता है? पार्सिक होता है। इसको क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका क्या है? पैरालैक्टिक सेकेंड। क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड होता है। और वन पार्सिक की जो वैल्यू होते हैं, ठीक है ना, पार्सिक इज इक्वल टू 3.06 × 10⁶ मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? इतना मीटर के बराबर होता है। अब देखो बेटा, इसका कुछ नहीं करना है, इनमें थोड़ा सा रिलेशन निकालना है। एक छोटा सा अपने पास काम है, तो हम जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बहुत। थोड़ा हम लोग क्या है, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, तो ये सब आप पढ़े हो। जब भी रिलेशन निकालोगे तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को डिवाइड करोगे, जिसका पावर ज़्यादा होगा। तो जब AU में LY में रिलेशन निकालोगे तो पावर ज़्यादा किसका? LY। तो आपसे बोलूँगा, यदि 1 LY / 1 AU बराबर क्या हो जाएगा? तो LY की वैल्यू अभी मैं बताया हूँ, क्या होता है? 1. क्या हो जाएगा? 1.496 × 10⁴ क्या हो जाएगा? सॉरी, LY की वैल्यू रखना है हमको। LY की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? इसका जल्दी हम लोग डिवाइडिंग करवा लेंगे। LY जो होता है ये कितना होता है? 9.46 × 10⁴ क्या हो जाएगा? 15। और ये जो होता है अपना कितना होता है? 1.496 × 10⁴ क्या हो जाएगा? 11। इसका जब इंटू करवाओगे, जब डिवाइडिंग जो भी करवा लेना, तो इसका डिवाइडिंग मेरे को जहाँ तक लगता है तो कितना आएगा? ये आता है, देखिएगा, 2. ये देखिएगा जो भी आएगा, मैं वैसे करवा ही दे रहा हूँ, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। इसका डिवाइडिंग आप जो भी आएगा करवा लीजिएगा, फिर आप निकालेंगे 1 पार्सेक, और जब क्या लिखाएंगे? 1 LY। तो पार्सेक कितना होता है? 3.08 × 10⁶ होता है। और ये क्या होता है? ये होता है 9.46 × 10⁴ क्या होता है? 15 होता है। इसका जब डिवाइडिंग करवाओगे तो जो भी आएगा देख लीजिएगा, 3.06 आ जाता है। तो ये इंटू में तो अपॉन में चला जाएगा उधर। और इसी तरह आप जब निकालोगे क्या, 1 पार्सेक अपॉन 1 क्या निकालोगे? AU का निकालोगे। तो इसको भी डिवाइडिंग करके आप लोग निकाल लीजिएगा जो भी आएगा। और फिर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन आपका सबसे पहले एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन को बताइए। सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? इसको कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया है, पीछे आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।